पंकज गुप्ता जी, श्री पंकज गुप्ता जी नगर मंडल अध्यक्ष से आग्रह है वो माननीय गृह मंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री जगदीश चरण पुष्पा जी, श्री जीतू कमरिया जी सदस्य जिला पंचायत से आग्रह है वो माननीय प्रोनिया जी का स्वागत करें। श्री इकबाल खान साहब अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा से आग्रह है वो माननीय सुरेंद्र बुधौलिया जी का पुष्पहार से स्वागत करें। इसी क्रम में रेशु दांगी जी मंडल अध्यक्ष उन्नाव, श्री प्रवीण पाठक मंडल अध्यक्ष बड़ोनी, श्री बलदेव रावत जी पूर्व अध्यक्ष भांडेर, श्री मुकेश यादव पार्षद जी, श्री राधे अग्रवाल जी से आग्रह है तो माननीय गृह मंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री ब्रजेश यादव जी से आग्रह है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पहार से स्वागत। जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है और सच में जैसा सांसद जी ने कहा, मैं उसकी सहमति व्यक्त करते हुए बहुत छोटे से आग्रह पर आपने महाराज बड़ा एयरपोर्ट दतिया को दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी का आभार अपन व्यक्त कर नहीं सकते क्योंकि इतना दे दिया है दतिया को। सच में मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ मुख्यमंत्री। आज ये जब कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री जी बैठक हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि अपन मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करें। मैं आपको अचंभा बता रहा हूँ, एक भी कार्यकर्ता ये नहीं बता पाया कि दिवाली मांग कर, एक भी नहीं कार्यकर्ता। सारे लोग थे, मैंने पूरी बैठक में कहा कि एक अपन को मांग करनी है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन बता नहीं पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं मांगनी वाला नहीं। अभी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साहब बगल में बिल्कुल लगे हुए पे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हुई और मुख्यमंत्री जी मैं नहीं समझता हूँ तो कितने लाख लोग होंगे बताना जरा। 10 लाख रोज, 10 लाख आदमी आता था रोज, 10 लाख। दतिया की आबादी हमारे की 1.5-2 लाख आबादी आ जाए 10 लाख तो दतिया फटाफटा फिर रहा। और आप अंदाज करेंगे हमारे यहाँ एक छोटे से हमारा वो सरपंच है उसका वहां घर था, मैंने कहा चाय की दुकान खोली, वो अकेला एक स्टोव पे 20,000 रुपया रोज चाय बेचता था दिन में, और रात में उसकी पत्नी अलग बेचती थी, बेटी और बेटी अलग बेचते थे, ऐसे 60,000 रुपया की सिर्फ चाय एक बेचता था। और ऐसी 3,000 दुकानें दतिया के आसपास बाहर से चल के आई, दतिया की चल के आई और दतिया की, और दतिया के लोगों ने क्या सेवा करी है लोगों की, बाहर ऐसी सेवा करी है मुख्यमंत्री जी, कोई समोसा कोई कचौड़ी कोई पानी और कल से आई था साड़ी में सब भंडारा खाने आई थी क्या, हाथ उठा के बताओ आई थी पक्की बात, 1,000 सबके आन लगे 3,000 आ गए मामा राखी में फिर के तुझे मारे हैं कि नहीं, अभी वही बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं इससे गाड़ी को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ इस बात के लिए कि ये चुनाव इस बार का चुनाव का प्रकार अलग है। तीन बुजुर्ग नेता अपने अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं। हेलो भैया, कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को सेट करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन को सेट करना चाहते हैं, क्रांतिलाल भूरिया जी अपने बेटे विक्रांत को सेट करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी ये प्रदेश की जनता अपने हरेक बेरोजगार बेटी को सेट करना चाहती है। ये दो प्रकार का चुनाव है, उनको सेट करना है तो पंजे का बटन दबता है कांग्रेस को जिताना, अगर उनके बेटों को सेट करना है, और अपने अपने हर परिवार को उन्नति के शिखर पर ले जाना है, अपने हर बेटे को रोजगार दिलवाना है तो कमर का बटन दबाना शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र भाई मोदी को चुनाव जिताना। मैं बोल तो बताओ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दतिया की सूरत बदली है कि नहीं बदली है, धर्म और ईमान से बोलना, खैरी वाली माता के
जो हमारे दतिया के अंदर नहीं हो। आपने मेडिकल कॉलेज दिया, आपने वेटनरी कॉलेज दिया, आपने फिशरीज कॉलेज दिया, आपने लॉ कॉलेज दिया, आपने यहाँ पर जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल दे दिया, इतने सारे कॉलेज और महाविद्यालय है कि हमारे दतिया के बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाना। हिंदुस्तान के बच्चे आज आके दतिया में पढ़ते, और आपकी अगर ऐसी कृपा बरसती रही तो देखना हमारा दतिया कोटा को तो माफ कर ही देगा आने वाले वर्ष में। हमारा दतिया एक लंबी छलांग भरने वाला है। आज महाराज आपने जो ये हमें एयरपोर्ट दिया है, हवाई अड्डा दिया है, सच में मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं महाराज कि अगर आपने 6 महीने में मेरे यहाँ पे हवाई जहाज उतार दिया तो अगले 1 साल में हम दतिया के कल्चर को बदल के आपको दिखाएंगे। दतिया ये दतिया रनवे पे खड़ा हुआ है, हमारा दतिया रनवे पे खड़ा हुआ है, इसको सिर्फ उड़ान लेना है, और ये उड़ान आपकी लैंडिंग के साथ में हमारा संपर्क है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमको जल्दी से जल्दी कम से कम 6-7 महीने के अंदर हमारी एक फ्लाइट यहाँ पर, डेली फ्लाइट यहाँ पर लैंड आप कर दो, और उसके बाद आप दतिया की तस्वीर को देखना, आप दतिया के नौजवानों की तकदीर को देखना, हमारा दतिया अपार संभावनाएं समेटे हुए, और यहाँ के लोग बड़े बोले, यहाँ के लोग बड़े अच्छे मन से अंगीकार करते हैं और मन से स्वीकार करते हैं। और महाराज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये लोग बड़े स्नेही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो स्नेह मिला, चाहे हम पीताम्बरा माई के दिवस को आपने प्रारंभ कराया हो, 24 तारीख को आप स्वयं आए थे, माननीय वसुंधरा जी थी यहाँ पर ट्रस्ट की अध्यक्ष, पर आपने उस यात्रा को शुरू करा के एक नई परंपरा शुरू कराई। हमारे दतिया के अंदर ये नई परंपरा है, लुप्त प्राय हो गई थी, रावण का दशहरे की परंपराएं नई परंपराएं हैं, भागवत की सप्ताह की नई नई परंपराएं हैं, और इसमें इतनी बड़ी संख्या में पूरे संभाग के लोग भाग लेते हैं। इन नई परंपराओं को हमें अक्षुण रखना होगा। मैं ज्यादा न बोलते हुए मुख्यमंत्री जी, चूंकि मैंने कहा कि मैं दतिया के लिए तो कुछ भी मांग सकता हूँ, किसी भी सीमा तक जाता हूँ दतिया के लिए। ये दतिया मैंने कहा महाराज की सभा में, आज मैं कहता हूँ, मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है। आपने भी डांटा था मुख्यमंत्री जी, मुझे आपने डांटा था कि मैं हेलीकॉप्टर से लटक के इतनी रिस्क क्यों ले ली तुमने, लेकिन मैं क्योंकि दतिया से कहता था कि मैं प्राण जान की बाजी लगा दूंगा दतिया वालों, तो मैंने जान की बाजी लगाई थी। आप डांटते थे कोरोना काल में अस्पताल में आईसीयू में मत जाओ, मैं इसलिए जाता था कि मेरे दतिया के लोग परेशान होंगे तो मेरे पे देखा नहीं जाता इनकी हालत को, और इसलिए मुख्यमंत्री जी मैं आईसीयू में भी जाता था, और इसलिए मांग में खड़ा हुआ हूँ कि दतिया वालों ने अगर नहीं कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे एक कॉलेज चाहिए बसई के लिए, बसई यहां से 125 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, बच्चे आ नहीं सकते, ये दतिया का नक्शा ऐसा है कि यहां से हम झांसी जाएंगे, बबीना जाएंगे, बबीना के बाद बसई आता है, और है वो मध्य प्रदेश में और दतिया जिले के अंदर है, बहुत बड़ी पंचायत है, मैं चाहता हूं कि आप नगर पंचायत बना दो, नगर पालिका बना दो बसई को, जिससे हम दतिया के अंदर हम पूरा का पूरा हमारा जो कोना है तलसब्द हो जाएगा, शरीर के सारे अंग स्वस्थ हो और एक अंग कमजोर हो तो मैं मानता हूं कि वो स्वस्थ शरीर नहीं होता। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दो को कॉलेज को और नगर पंचायत को करके हमें प्रदान करें, अनुग्रहित करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महाराजा सिंधिया साहब से आग्रह करूंगा, और आपकी तालियां जब तक बजे जब तक महाराज साहब अपना भाषण शुरू नहीं करते, जोरदार तालियों के साथ में तालियां, पीछे बाउंड्री को सुनाई नहीं दे रही, बाउंड्री को दूर दे, के रग रग में उनके एक दिल में एक अमीर छाप छोड़ने का कार्य किया है। ऐसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपके दतिया के बेटे, जिन्होंने दतिया का नाम मध्य प्रदेश के विधानसभा में केवल नहीं लेकिन देश में उजागर करने का कोशिश की है, मेरे अपने नरोत्तम मिश्रा जी, हमारी क्षेत्र की सांसद जो सदैव विकास
समस्त प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। आदरणीय संध्या राय जी, मंत्री सुरेश धाकड़ जी और तुलसी सिलावट जी, घनश्याम पिरोनिया जी, इंदिरा धीरुदांगी जी, रक्षा संतराम सिरोनिया जी, सुरेंद्र बिदोलिया जी, शांति प्रशांत दुबिया जी, श्रीमती कांति प्रदेश यादव जी, कमलेश अहिरवार जी, हमारे साथ आए हुए संजीव कुमार जी, चेयरमैन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, असंग बाचुबा जी, मेरे संयुक्त सचिव ए के पाठक जी, मेंबर प्लानिंग चंद्रमौली शुक्ला जी, आयुक्त विमान विभाग मध्य प्रदेश, और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्ण दतिया जिले के कोने कोने से आए हुए समस्त मेरी दतिया की समस्त जनता जनार्दन, मेरे परिवार के सदस्य गण जो यहां मौजूद हैं, आज एक ऐतिहासिक दिन है। दतिया एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन का सपना ये क्षेत्र की जनता देख रही थी, और नरोत्तम जी ने ठीक कहा, इस दतिया में तो माई की कृपा है। मेरे साथ बोलो, पीताम्बरा मैया की। अरे पीछे तक, पीताम्बरा मैया की, बगलामुखी मैया, हमारे देव देवताओं की यहां विराजमान। और ये दतिया क्षेत्र सदैव एक शक्ति पीठ रहा है। भारत काल के आधुनिक युग में केवल नहीं, लेकिन प्राचीन काल से अगर शक्ति का संचार भारत माता में हुई है, तो उन संचार के एक स्रोतों में से महत्वपूर्ण स्रोत सदैव दतिया रहा है। मेरे भाई और बहनों, इस दतिया की माटी को मैं प्रणाम करता हूं, और इस दतिया की माटी के साथ सिंधिया परिवार का भी एक राजनीतिक रिश्ता नहीं। अगर एक रिश्ता है तो एक धार्मिक रिश्ता है। मां पीताम्बरा पीठ के स्वामी मेरी आजी अम्मा पूर्ण राजमाता साहब के गुरु थे। मेरी आजी अम्मा गवर्नमेंट कर दो ना, कई दशकों तक इस मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष रही। हम लगा तो रहे, जोड़ा तो रहे, और नवरात्रों के दौरान 9-9 दिन ग्वालियर में नहीं लेकिन दतिया के मंदिर में पूजन करने के लिए रात और दिन उपस्थित रहती थी। तो इस दतिया की माटी का संध्या परिवार के भी ऊपर आशीर्वाद रहा। और अगर एक पारिवारिक धार्मिक ऐतिहासिक रिश्ता इस दतिया की माटी के साथ रहा, कर दो यार, तो जब नरोत्तम मिश्रा जी ने एक साल पूर्व बहन संध्या राय जी ने संसद में ये मांग रखी कि दतिया में आधुनिक युग है, एक प्राचीन क्षेत्र को आधुनिकता के साथ जोड़ना है, तो प्रधानमंत्री की जो सोच है, अब नागर विमानन क्षेत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं, भारत के जगह जगह पर एयरपोर्ट स्थापित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहन, देवघर में बाबा के धाम में 400 करोड़ का एयरपोर्ट स्थापित हुआ है। श्रीनगर और जम्मू में नया एयरपोर्ट स्थापित हो रहा है। किशनगढ़ अजमेर शरीफ के लिए एयरपोर्ट स्थापित हुआ है। और आपको तो मालूम है, जब एक बार नरोत्तम जी पीछे पड़ जाते हैं सहभागी नरोत्तम जी में मिल गया। जब मैं मंत्रालय में बैठा
हुआ है। अगर यह कार्यक्रम संभव हुआ है तो उसका अगर कोई शिल्पकार है तो वो शिल्पकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां बैठे हुए हैं। मेरे और नरोत्तम जी और संध्या जी के एक कहने पर कैबिनेट में जमीन पारित, कहा उन्होंने कि मां मध्य प्रदेश शासन केंद्र सरकार के साथ है, आप बताओ हम करते जाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी धन्यवाद किया जाए। आज एक सपना जैसा लग रहा है। अभी नरोत्तम जी ने कहा मुख्यमंत्री जी से एक एक चीज, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, फिशरीज कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, एक एक चीज उनसे लेके गए। लेकिन वाकई में ये दुनिया के लिए सपना है। भारत आज विश्व पटल पर नक्षत्र की भी तरह उजागर हो रहा है। नागर विमानन क्षेत्र से भारत का एक एक कोना जुड़ रहा है। ग्वालियर में 500 करोड़ का एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता, जम्मू, हैदराबाद, इंदौर, देश के कोने कोने के साथ ग्वालियर चंबल संभाग को हम जोड़ने जा रहे हैं। जबलपुर में मुख्यमंत्री जी के साथ 500 करोड़ का एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। रीवा में नवीन हवाई अड्डा बनने जा रहा है। पर लतिया का जो सपना था आखिर में शिल्पकार शिवराज सिंह जी, पंडित जी नरोत्तम जी, सांसद जी संजय राय जी और थोड़ी सी आहुति मेरे तरफ से भी हो गई। एक सपना साकार हो रहा है मेरे भाई और बहनों। आज मुख्यमंत्री जी को जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतना विश्वास दिलाता हूं। मुख्यमंत्री जी और नरोत्तम जी ने देखा है, संध्या जी ने देखा है, ग्वालियर का एयरपोर्ट किस तीव्र गति से मैं बना रहा हूं। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री जी ने शिलान्यास किया था और ये साल के निकलने के पहले या जनवरी के माह में 500 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट 15 महीने में तैयार करके आप लोगों को अर्पित मैं करूंगा। तालियां थोड़ी कम बजे। अरे सिंधिया जी, वो तो ग्वालियर की बात हुई। पंडित जी ने तो जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया है रिकॉर्ड टाइम में तथ्या का एयरपोर्ट भी तैयार करते और केवल एयरपोर्ट नहीं लेकिन तथ्या में एयरपोर्ट बनाकर, क्योंकि एयरपोर्ट स्वतः बनाकर संतुष्टि नहीं होती, एयरपोर्ट बनाकर दतिया में 19 सीटर का प्लेन दतिया से सीधे खजुराहो में दर्शन करने के लिए प्लेन लगा लेंगे और दतिया से खजुराहो से अकेले जो भी आप लोग मुख्यमंत्री जी के निवास में जाना चाहते हैं मिलने के लिए, दतिया से भोपाल के लिए भी 19 सीटर की प्लेन लगाकर आपको समर्पित करेंगे। तो आज का दिवस मेरी दतिया की जनता के लिए समर्पित इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे माननीय भाइयों की आज एक बड़ी सौगात लेकर जो हमारे बीच आए हैं हमारे अपने लोकप्रिय कर्मठ नेता मोदी जी के सहयोगी आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत। विकास पुरुष अगर मैं कह रहा हूं कि अतिशयोक्ति नहीं है, सचमुच में दतिया के विकास की जो तड़प और ललक मैंने नरोत्तम मिश्रा जी के मन में देखी, मैंने और किसी नेता के मन में देखी। दतिया की तस्वीर बदलने वाली, और जब भी मुझे लगता है सरकार के नाते कि कोई काम ऐसा है कि जो बहुत कठिन है
तो वो काम करने में कौन को दू तो एक ही नाम याद आता है, नरोत्तम मिश्रा जी। ऐसे हमारे गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे प्रभारी मंत्री, अभी उनका भाषण होना था लेकिन समय नहीं था क्योंकि 6 बजे के आसपास हमको चलना पड़ेगा, भाई सुरेश भाकर जी, हमारी बहन यशस्वी और लोकप्रिय सांसद जिन्होंने एयरपोर्ट की मांग दिल्ली में उठाई, बहन संध्या राय जी, आदरणीय हमारी भांडेर की विधायक रक्षा जी, आदरणीय घनश्याम जी, इंदिरा धीरू दांगी जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, सुरेंद्र बुधेलिया जी हमारे जिला अध्यक्ष, अब चूंकि संजीव कुमार चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे मंत्री साथी जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, अब चूंकि समय कम है इसे मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरी लाडली बहना यहाँ बैठी है और लाडली बहना सेना भी यहाँ बैठी है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटा बेटियों, आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक आवेदन मिला ग्राम पंचायत खिड़िया फैजुल्ला का। अब बताओ खैरी वाली मैया और सबकी आस्था उनमें 100%, तो यहाँ फैजुल्ला नाम ही जो करते हैं। और जब प्रस्ताव जो आपने पंचायत के पास किया है, इस गांव का नाम खिड़िया खिड़िया का है, ऐसा खिड़िया खिड़िया का, और इसलिए इस गांव का नाम उनने मांग के खिड़िया सरकार की जाए, क्या भाई सही बात है ना, कर दिया जाए तो तत्काल खिड़िया सरकार नाम का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जाए। आज मैं नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई देता हूँ, दतिया के एक के बाद एक लगातार नरोत्तम जी के मन में तड़प थी, वो पीछे पड़े रहे और मैं करने की कोशिश करता रहा, लेकिन माई की कृपा है यहां तो। सिंधिया जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, यहां हमारी माई जो सब पर कृपा की वर्षा करती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, हमारी माँ की आराधना। अरे अब तो मामा भी हो और भैया भी हो गया हूँ, आगे भी उत्तम काम होते रहेंगे कि क्योंकि सरकार उत्तम फिर से आने वाली है, बीच में थोड़ी सी चूक हो गई थी और वो चूक भी ग्वालियर संभाग से ज्यादा हुई थी और ग्वालियर चंबल से भी इसलिए हो गई थी कि कांग्रेस ने दूल्हा दिखाया कोई और फेरे पार दिए कोई, अब ये गड़बड़ हो गई थी और जब उस सरकार में कोई काम नहीं हुए तो उस गड़बड़ को आदरणीय सिंधिया जी ने ठीक कर दिया, सही कर दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। बोलो माई की, अब विकास भी गति पकड़ेगा, पकड़ ही रहा है, अद्भुत हुआ है। और मेरी बहनों आज हम आए तो फोटो वाली राखियां मिली हम लाडली बहनाओं ने पहले से राखी बना के रखी थी, राखी में फोटो भी लगा है, ये राखी का धागा प्रेम का कच्चा धागा है, स्नेह का और आत्मीयता का धागा है। मेरी बहनों खैरी वाली माता के प्रांगण में कह रहा हूं इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ, हमारी सरकार केवल चलने के लिए नहीं है, अरे हम सरकार नहीं चलाते, हम तो परिवार चलाते हैं, परिवार ये हमारा परिवार है,
ईमानदारी से बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे जोर से बताओ, हम परिवार के सदस्य, आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। और जो हमेशा मैं कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। अपना ये प्यारा परिवार ये कैसे सुखी हो, तो एक तरफ तो विकास के काम, आज गिनाने की जरूरत नहीं, नरोत्तम जी बता रहे थे, और वो कह रहे थे कुछ मांगू, लोगों ने कहा मत मांगना, सबने कहा कुछ बचा नहीं, लेकिन कलाकार बहुत कैसे मांगना है, लेकिन मांगेंगे जरूर। तो चिंता काय को कहते हो गृह मंत्री जी, मैं भी दूंगा जरूर, बस ही मैं कॉलेज भी और नगर पंचायत भी कर दूंगा। एक तरफ हमारा काम है विकास, एक तरफ हमारा काम है विकास, और दूसरी तरफ है जनता का कल्याण। मेरी बहनों, मेरी गरीब बहन, जरा दिल में हाथ रख के बताओ, अगर कभी 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था कि नहीं? बहनों तुम बोल के बताओ, फैलाना पड़ता था कि नहीं? बेटा बेटी को कपड़े दिलाना है, किताब दिलाना है, मायके जाना, पैसे की जरूरत, कई बार तो साहब से भी कहा कि मैं जा रही हूं मायके, जरा दे दे दो, सावन का महीना है, तो वो ही कह देते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। मैंने सोचा कि शिवराज भैया तो तू है रे, क्योंकि बेटा बेटियों का मामा, तो बहनों का भाई हुआ कि नहीं हुआ? बहनों जोर से बोल के बताओ, आज भाई बहन की बात हो रही, हुआ कि नहीं? तो भाई का भी तो कोई फर्ज होता है, और भाई भी मुख्यमंत्री। और तो मैं कई दिनों से सोच रहा था लाडली लक्ष्मी योजना बन गई, कन्या विवाह बन गई, कई बन गई, आज उनकी बात नहीं करूंगा, समय नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया कि भाई सावन के महीने में, भाई सावन के महीने में अपनी बहन को लेने जाता है, बहन कलाई पर राखी बांधती है, और उस राखी के बदले भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है, कपड़े देगा, साड़ी देगा, रुपया देगा, देता कि नहीं देता? जोर से बोलो ना, मैं भी तो भाई हूं, बताओ भाई हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा ही हूं। तो मेरे मन में आया कि बहने छोटी छोटी चीज के लिए परेशान होती है, और इसलिए कोई एक ऐसी योजना और बने कि बहनों को कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, जरूरत पड़े तो बैंक जाओ पैसा निकाल लिया, और इसलिए हमने तय किया हर महीने लाडली बहनाओं के खाते में, साल में एक बार देने से काम नहीं चलता, एक बार देने से चलता क्या? जोर से बताओ ना, इससे तय किया हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। बताओ कोई सरकार ने पहले कभी किया है क्या? कांग्रेस ने कभी किया क्या? और कोई कर सकता है क्या? ये केवल पैसा नहीं है भाइयों और बहनों, केवल पैसा नहीं है, मैंने तुम्हें सम्मान दिया है मेरी बहनों, मैंने तुम्हें सम्मान दिया है, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार, ये तुम्हारा मान है, क्योंकि पैसा होता है तो आत्मविश्वास होता है, और पैसा होता है तो इज्जत भी बढ़ जाती है, अकाउंट में पैसा आ रहे हैं तो सासू माँ भी कहती है बहू की रोटी भी घी के पड़ते हो, पैसा तो आ रहा है, और कई बार तो पतिदेव भी प्रेम से बोलने लगे होंगे गुड्डू की मम्मी आ गई कि नहीं, तो पैसे से इज्जत भी बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन ये 1000 तक सीमित नहीं रहेंगे, 1250, 1500, 1750, धीरे धीरे पैसे के इंतजाम में लगे हम लोग, जैसे इंतजाम होता गया बढ़ाते बढ़ाते 2000, 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितना करेंगे? 3000। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ नहीं रहने देंगे, क्या तुम रोने के लिए पैदा हुए?
पहने के केवल आंसू बहाने के लिए, पहने के केवल सिसकने के लिए नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प, हमारा संकल्प है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली लेके आएंगे तो अपनी जिंदगी सफल होगी। और इन बहनों की सेवा मेरे लिए मैया की पूजा है, मेरी बहनों मेरे लिए मैया की पूजा। इस अभियान में हम जुटे हैं, ये सरकार भी जिसने दतिया की धरती से बेटी बचाओ यात्रा निकाली थी, नरोत्तम जी गवाह हैं, आप गवाह हैं। और हमने तय किया मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून गृह मंत्री खड़े सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बोला है। मेरे भाई और बहनों, अरे भाई सोच रहे बहना बहना कर रहे हैं, अरे वो पैसा तुम्हारे काम आएगा दादा। बहने बड़ी दयालु होती है लेकिन जिंदगी बदल। मैं आज बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, किसान गरीब आज में, कल मैं सीखो कमाओ योजना शुरू कर रहे हैं, नौजवान बेटे बेटियों पढ़ने के लिए रोजगार मिले। अब एक तरफ सरकारी नौकरियों में 1,00,000 भर्ती है, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजना है। इन सबके बाद भी जो 12वीं पास बच्चे हैं कई बार रोजगार की तलाश में रहते हैं। मेरे बच्चों, अब हम लेके आए हैं मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, कल चालू हो रही है। अभी अतिथि विद्वान अभी मत करो, बाद में जाते समय अभी मेरा मन इधर लगा है, उसके बाद तुमसे मिलकर जाऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हारी तकलीफ भी मामा ही दूर करेगा, लाडली बहना। और इसलिए बेटा बेटी जितने ITI किया है, 12वीं पास किया है, वो अलग अलग कंपनियों में काम सीखने जाएंगे। कंपनियां भी पोर्टल पे आ गई है, बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, और उसके बदले 8,000 रुपया महीना मामा देगा। और पढ़ाई के लिए बेटा बेटियों, पढ़ाई के लिए मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो कोई भी हो, मेरी बहना चिंता मत करना, हम मामा है ना, जितनी भी फीस हो मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगा। तो दोनों तरफ देखो, एक तरफ ये विकास जो जिंदगी बदल रहा है आपकी, वो विकास का यज्ञ जारी रहेगा। आज मैं फिर सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूं, नरोत्तम जी बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा नेता जनता भी भाग्यशाली है कि ऐसा नेता मिला है। निरंतर कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करते रहो, यही आपका धर्म है। और हम मिलके दतिया का विकास भी करेंगे और मध्य प्रदेश का विकास भी करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं, पीछे भी बताओ जाना चाहिए कि नहीं। तो इस बार कोई कसर तो नहीं रहेगी, अरे कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, चूक तो नहीं होगी। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के हम भैया का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, हम दादा का साथ देंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ये संकल्प ले। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पीताम्बरा मैया की, खैरी वाली मैया की, रतनगढ़ वाली माता की। और आज सोमवार, इसलिए हर हर महा